नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और विपक्ष अपनी तैयारियों में जुट चुका है। विरोधी दल अपनी पहली बैठक पटना में कर चुके हैं, अब दूसरी बैठक वो बेंगलुरु में करने जा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी से। ओमकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद मनविंदर जी याद करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, 18 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद ही बेंगलुरु में फिर से विपक्ष की बैठक होने जा रही है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप इस बैठक से? देखिए, 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं जी। तो क्योंकि आज हम 16 जुलाई को बात कर रहे हैं तो 17 जुलाई को सोनिया गांधी एक डिनर होस्ट कर रही हैं बेंगलुरु जी, विपक्षी दलों के नेताओं के लिए, और उससे अगले दिन ये मोदी विरोधी कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है इसके खिलाफ कह लीजिए जो एकजुट हो रहा है, विपक्षीय होने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए बैठक होने जा रही है। और इस बैठक का एजेंडा भी वही है जो पटना की बैठक का था। पटना की बैठक में 15 दलों को बुलाया गया था, उसमें कुछ ऐसे चेहरे भी आए थे जिनकी उम्मीद नहीं थी कि वो बैठक में शामिल होने हो जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस के विरोधी चेहरे हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एक दो और ऐसे नेता थे। कुछ ने तो अपनी दूरी ही बनाए रखी, नवीन पटनायक ना भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में कभी शामिल होते हैं एनडीए की और ना ही कांग्रेस की, मतलब ऐसे बहुत सारे नेता हैं, क्षेत्रीय दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बना करके रखते और सर्वाइव भी कर रहे हैं जी। तो अरविंद केजरीवाल का कुछ शर्तों के साथ बैठक में शामिल होना, ममता बनर्जी शामिल हुई इसके बावजूद कि वो राहुल गांधी को और कांग्रेस को पसंद नहीं करती हैं, और ये दोनों ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़े हैं, जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। तो बेंगलुरु की बैठक में कुछ और दलों को भी बुलाया गया है, जितने दल पटना की बैठक में थे उससे करीब 7-8 दक्षिण भारतीय कुछ दलों को जो छोटे छोटे हैं उनको भी बुलाया गया है। अब इसमें एक बात ये देखने की है कि आम तौर पर सोनिया गांधी इधर बहुत सक्रिय नहीं है हेल्थ कंडीशन के चलते। पटना की बैठक में भी वो नहीं गई थी, वहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे। तो सवाल ये है कि बेंगलुरु में वो विपक्ष के लिए डिनर होस्ट क्यों कर रही है, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अगले दिन वो विपक्षी दलों की एका बैठक में भी शामिल होंगी या नहीं होंगी। उम्मीद कम है लेकिन होंगी या नहीं होंगी इस पर सबकी निगाह लगी रहेगी। अब वो क्यों गई हैं बेंगलुरु, इसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं, और ये चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे दल ऐसे हैं जो राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ऐसे में चूंकि यूपीए की संयोजक अभी भी सोनिया गांधी ही हैं, और इसको विस्तारित आप यूपीए को नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे बहुत सारे दल है जो यूपीए का हिस्सा नहीं है। यूपीए का जो हिस्सा दल है उनकी संख्या तो अभी 7-8 ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, पर बाकी दल भी वहां है। और सोनिया गांधी चूंकि एक सीनियर नेता हैं, 70 से अधिक उनकी आयु हो रही है, तो उनके बुलावे पर लोग डिनर में शामिल हो जाएंगे। पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो बेंगलुरु में बैठक बुलाई गई है इसका जो एजेंडा है क्या वो फलीभूत होगा, क्या वो सिरे चढ़ेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी अनुत्तरित हैं जी। आपने सवालों का जिक्र किया है तो एक सवाल ये भी है कि एक इशारा आपको याद होगा पिछली बैठक में
जो लालू ने राहुल गांधी की तरफ किया था कि दूल्हा कौन होगा, तो ये दूल्हा वाला जो सवाल है इसमें कई सारी और चीजें मिली हुई हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, लालू यादव ने हालांकि वो मजाक मजाक में कहा था कि आप दूल्हा बन जाइए, अपना घर बसा लीजिए। जब पिछली बार हम मिले थे तो सोनिया जी कह रही थी कि आप शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो आप सेहरा बांधिए, घोड़ी पे चढ़िए, हम सब बराती बन करके आपके साथ चलेंगे। लेकिन बाद में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना ये था कि लालू का इशारा ये था कि आप ही के नेतृत्व में 2024 का चुनाव भी लड़ा जाएगा और हम सब आपको सहयोग करेंगे। तो जब लालू ने ये मजाक किया था तो बैठक में मौजूद ज्यादातर लोग तो ही करके हंस दिए थे, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे, क्योंकि लालू यादव या तेजस्वी यादव वो तो लगातार ये बयान देते आए हैं नीतीश के लिए कि आप दिल्ली की राजनीति करिए, अब बिहार को तो हम संभाल लेंगे, यानी आप प्रधानमंत्री बनिए। तो अगर नीतीश को प्रधानमंत्री बनाते बनाते लालू यादव अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री या दूल्हा बनाने पर आमादा हो जाते हैं तो फिर नीतीश का घर झोंक रहे थे अभी तक, तो चल रहा है दोनों दलों के बीच में बिहार में भी, लेकिन हम आज उस पर नहीं जाते। जो सवाल आपका है कि दूल्हा कौन बनेगा, फिर बेंगलुरु की बैठक में क्या कुछ ऐसा तय होने वाला है, तो मेरा कहना है कि बेंगलुरु की बैठक में ऐसा कुछ तय होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न है जिसको अभी कोई छेड़ना भी नहीं चाहेगा। जिस दिन ये प्रश्न छेड़ा जाएगा उससे अगली बैठक जब भी कोई इनिशिएट करेगा, चाहे नीतीश करे या कांग्रेस पार्टी करे, बहुत सारे दलों के नेता उस बैठक में आएंगे नहीं। जैसे आज अध्यादेश पर कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया कि हम पार्लियामेंट में, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल प्रयासरत थे और पूरे देश में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के चक्कर लगा रहे थे कि आप राज्यसभा में हमारा सपोर्ट करिए, इस अध्यादेश को रोकिए, और ये अध्यादेश है दिल्ली की प्रशासनिक सेवा की सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ, जो अध्यादेश मोदी सरकार लेकर के आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि जो प्रशासनिक सेवा शर्तें हैं या ट्रांसफर पोस्टिंग है वो दिल्ली सरकार के सुपुर्द ही होना चाहिए। ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश पारित कर दिया, केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। और अब चूंकि 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो उसमें वो एक विधेयक ला करके उसको बाकायदा कानून बनाने वाली है। अरविंद केजरीवाल कोशिश थी कि जितने विपक्षी दल हैं सब उस पर एकजुट हो जाएं। अब कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया था, क्योंकि इनकी पंजाब और दिल्ली की इकाई ने उसका विरोध किया कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस ने संकेत दिए कि हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, विरोध ही करेंगे और केजरीवाल के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। अब जाहिर है अरविंद केजरीवाल भी बेंगलुरु की बैठक में जाएंगे, जो अभी तो असमंजस की स्थिति दिखे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी भी जाएंगी, अभी तक तो कोई ऐसी नानुकर वाली स्थिति है नहीं, कोई बहाना उनके पास है नहीं कि वो नहीं जाए। जो बाकी के चेहरे हैं जो और विस्तारित दल बुलाए हैं वो भी जाएंगे। तो यहाँ पर दूल्हे के सवाल पर नेतृत्व कौन करेगा विपक्षी दलों का, ये अभी तय नहीं होगा। मोटे तौर पर जो चीजें पता चली हैं कि इस बैठक में क्या होने वाला है, पटना में भी मोटा मोटी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। 1977 में एक बार विपक्ष ने ये प्रयोग किया था और जो कम से कम उत्तर भारत में तो सफल हो गया था, दक्षिण भारत में फिर भी कांग्रेस को 165 सीटें मिल गई थी इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुआ था 77 में, लेकिन उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया था। इन्होंने ये किया था कि जनसंघ हो, लोकदल हो, जनता पार्टी जो बनी थी वो हो, RSP जितने भी मतलब सोशलिस्ट पार्टी हो, इन सब ने मिलकर के जनता पार्टी बनाई थी और मोटे तौर पर यह तय कर लिया था कि कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ
विपक्षी दलों की तरफ से एक ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, यानी ये ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई कई दलों के प्रत्याशी खड़े कर दिए जाएं और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल ही जाता है। अब बेंगलुरु में ये चर्चा होने वाली है कि इसका फार्मूला कैसे तय किया जाए। अखिलेश यादव का बयान आया था कि साहब जिस राज्य में जो दल प्रभावी भूमिका में है, यानी जिसका जनाधार है, जो मेन दल है, उसके नेतृत्व में अन्य दल जो हैं वो चुनाव लड़े, क्या ऐसा कोई फार्मूला बनेगा? आखिर वो फार्मूला है क्या? क्योंकि जयराम रमेश का एक बयान आया था बीच में, जब ममता बनर्जी ने और कुछ दूसरे नेताओं ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस जो है वो 200 से 250 सीटों पर लड़े पूरे देश में, यानी 537 लोकसभा सीटों में से 250 तक अपने आप को सीमित करे और जो बाकी की सीटें बचती हैं वहाँ जो क्षेत्रीय दल हैं भाजपा विरोधी वो अपने कैंडिडेट खड़े करें। उस पर जयराम रमेश का बड़ा तीखा बयान आया और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो विपक्षी एकता के लिए कुर्बानी करने को तैयार नहीं है, मतलब अपना ही गला घोटने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस लीडरशिप समय समय पर ये कहती रही है कि हम 350 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे, उसका मानना ये है कि हम इसी तरीके से अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। हालांकि पूरा देश जान, अब तो दुनिया भी जान गई है 2014 में क्या हुआ था, केवल 44 सीटों पर सिमट गए आप, 2019 में केवल 52 सीटों पर सिमट गए, तो और राहुल गांधी तक हार गए अमेठी में। तो राहुल गांधी जब हार चुके, वायनाड से जीत करके किसी तरह आए और वो सीट भी चली गई क्योंकि 2 साल की सजा हो गई, खैर वो एक है। लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर, यानी अपने को खत्म करके विपक्षी दलों को आगे बढ़ाने के लिए कोई महान त्याग करने को तैयार नहीं है। और इस बेंगलुरु के जमावड़े से ये भी पता लगेगा कि कांग्रेस थोड़ा बहुत पीछे हटने को तैयार है या नहीं, स्पेस देने को तैयार है या नहीं जो बाकी के क्षेत्रीय दल हैं, या वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अगर वो अड़ी रहती है तब तो ममता बनर्जी कहेगी कि अगर आपको बंगाल में भी आके चुनाव लड़ना है, अगर अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं, तो फिर ऐसी विपक्षी एकता से हम तो दूर ही जा रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग नेता हैं जो स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं होंगे कांग्रेस के लिए। इसलिए पटना की तरह बेंगलुरु की इस बैठक से भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं। ममता तो पहले इशारा कर भी चुकी हैं अपना इसको लेकर के। जी जी, जिन राज्यों में विपक्षी दल का, जिस विपक्षी दल का प्रभाव होगा, क्या वो दूसरे भाजपा विरोधी दलों के लिए किस तरीके से वो सीटों को मैनेज करेंगे, सीटें छोड़ने को सहमत हो जाएंगे? देखिए यही बात है, अभी मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि अगर विपक्ष को एक साथ मिलकर के लड़ना है तो जिस राज्य में भाजपा विरोधी प्रमुख दल है, जिसका जनाधार है, उसके नेतृत्व में या उसकी सलाह पर ही अन्य दल चुनाव लड़े और अपने प्रत्याशी तय करें, यानी जिसने वो प्रत्याशी अन्य दलों के स्पेस देना चाहे उनको, उतने वो तैयार हो। इशारा उनका कांग्रेस की तरफ ही था, क्योंकि कांग्रेस लगातार इन क्षेत्रीय दलों को ये मैसेज देने की कोशिश करती रही है कि भाई अखिल भारतीय दल तो हम ही हैं, आप लोग तो किसी एक राज्य तक सीमित हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल चलिए 2 राज्यों तक सीमित हैं, इसी तरीके से जो बाकी के क्षेत्रीय दल हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, लालू की पार्टी हो, वो तो सब एक राज्यों की पार्टी हैं, तो हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए जैसे 2014-2019 में लड़ा गया था। अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन हो, KCR हो, ये सारे चेहरे
शरद पवार हो, वो अपनी शर्तों पर ही लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ने को तैयार होंगे। और कांग्रेस का जो तौर तरीका रहा है, जो दादागिरी रही है, जो उनका अहंकार रहा है राष्ट्रीय पार्टी होने का, उससे दुखी होकर के ही ममता बनर्जी, KCR, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, इन सब ने एक कोशिश की थी पश्चिम बंगाल में जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी उसके तुरंत बाद, और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उस समय, कि एक थर्ड फ्रंट गठित करने की संभावनाएं तलाश की जाएं ताकि कांग्रेस को भी प्रेशराइज किया जा सके। एक बयान आपको याद होगा, आपके दर्शकों को याद होगा कि शरद पवार ने करीब 1.25 साल पहले बयान दिया था कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है जैसे एक बर्बाद जमींदार होता है, जो जिसका सब कुछ लूट पीट चुका है, जिसका जमीनें चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, और वो हवेली की मरम्मत करने की स्थिति में भी नहीं रह गया है। जितनी जल्दी हो सके इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो यही तो एक बिंदु है जिस पर बेंगलुरु की बैठक में एक्चुअल में डिस्कशन होना है, कि जो फार्मूला अखिलेश यादव ने दिया है, जो सुझाव ममता बनर्जी की तरफ से आया था कि यहाँ आकर के आप चुनाव ना लड़े, यानी कांग्रेस और वामपंथी चुनाव ना लड़े, यहाँ तो हम लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। दूसरे, एक सौरभ भारद्वाज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली और पंजाब में लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट ना उतारे तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। यानी अलग अलग राज्यों में जो मोदी विरोधी दलों के नेता हैं वो जी अपना अपना स्पेस, अपनी जमीन कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है, और यही विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा बन गई। जी, एक और आपने अभी जिक्र किया था कि 17 सोनिया गांधी जो है होस्ट करने जा रही है डिनर एक दिन पहले, तो इसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं? मतलब इसको, चूंकि उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है तो कमान तो शायद ही संभाले वो, तो लेकिन इसका एक मैसेज जा रहा है, वो मैसेज आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक विपक्षी दलों को एक करने की या एक मंच पर लाने की मुहिम का नेतृत्व नीतीश बाबू कर रहे हैं, सुशासन बाबू जिनको कहा जाता है जी, और उन्होंने अलग अलग राज्यों की जो राजधानियां हैं उनका दौरा भी किया था। वो मुंबई भी गए, वो नवीन बाबू के पास भुवनेश्वर भी गए, वो दिल्ली भी आए, वो अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ भी गए, अलग अलग राज्यों की राजधानी में गए, और उन्होंने सबको तैयार किया कि एक बैठक आयोजित की जाए, और वो बैठक हो भी गई पटना में। पहले एक अलग तारीख में होने वाली थी, फिर कुछ समस्याएं थी, शायद राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर थे, बाद में उसकी तारीख 23 जून की गई, बैठक हो गई। लेकिन ये जो चर्चा आजकल चल रही है कि नीतीश को तो एक्चुअल में लालू भी अब नहीं चाहते हैं कि वो अगुवा बने, और पटना की बैठक में जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के दूल्हा बनने की बात कही, उसके बाद तो बिल्कुल ही तय हो गया कि लालू यादव नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और सोनिया गांधी का कोई इशारा लालू यादव को था कि आप नीतीश के जरिए विपक्षी दलों को, ऐसे दलों को, ऐसे नेताओं को एकजुट करिए जो कांग्रेस के नाम पर थोड़ा सा नाक भौं सिकोड़ रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल वगैरह है। KCR को तो ये साध ही नहीं पाए, वो पटना की बैठक में आए ही नहीं। तो ऐसे दलों को साधने के लिए नीतीश को थोड़ा आगे कर दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो रहा है, नई पार्लियामेंट में पहला मानसून सत्र होने वाला है 20 जुलाई से, तो एक तो फ्लोर पर क्या स्ट्रेटेजी बनेगी कांग्रेस की तरफ से,
क्योंकि मैं देख रहा था इनका एक बयान जयराम रमेश का, उन्होंने जी कहा जी है कि पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा करेंगे, रेल की सुरक्षा पर करेंगे, इसके अलावा संघीय ढांचे पर जो आक्रमण हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे, जीएसटी को जो एमएलए के तहत लाने की तैयारी सरकार कर रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, हम महंगाई पर चर्चा करेंगे, यूपीए सरकार की योजनाओं को जो कमजोर करने की कोशिश हो रही है उस पर करेंगे, महिला पहलवान से जो उत्पीड़न है उस पर हम चर्चा करेंगे, अड़ानी मामले पर हम जेपीसी की मांग पर अड़े रहेंगे, अलग अलग राज्यों के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये डिनर ऐसे समय सोनिया गांधी होस्ट कर रही हैं जब पार्लियामेंट का सेशन भी एक दिन बाद यानी 18 को ये बैठक होगी, एक दिन बाद तारीख से ये शुरू होगा। सोनिया गांधी के द्वारा डिनर होस्ट करना, बेंगलुरु में विपक्षी एकता की अगली बैठक करना जहां उनकी अपनी सरकार है, ये शो करता है कि कांग्रेस अब इस विपक्षी एकता की मुहिम को टेक ओवर करना चाहती है और नीतीश बाबू को धीरे से किनारे करना चाहती है। ये संकेत साफ है, कांग्रेस एक्चुअल में डेस्परेट है राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाने के लिए, और कांग्रेस भी नहीं सोनिया गांधी, और 2024 में भी येन केन प्रकार है, चाहे जो उनना पड़े वो राहुल गांधी को ही नेतृत्व विपक्ष की तरफ से करते हुए देखना चाहती हैं। अब विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जो बिल्कुल राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, उनके तौर तरीकों को पसंद नहीं करते, जिस तरीके से उनकी राजनीति चलती है उसको भी पसंद नहीं करते। पिछले दिनों हमने देखा है कि जिन अड़ानी को लेकर के ये तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं वो अड़ानी ममता बनर्जी के साथ भी दिखाई दिए हैं, वही अड़ानी कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ थे, वही अड़ानी अशोक गहलोत के साथ थे और वहां उन्होंने 60,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं परियोजनाएं लाने का ऐलान किया था। तो बहुत सारे नेता हैं जो राहुल गांधी के तौर तरीकों को पसंद नहीं करते और उनको अभी भी अपरिपक्व नेता मानते हैं कि वो इस लायक नहीं है जो 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर के उनको चुनौती दे सके। इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि जो बेंगलुरु की बैठक है उससे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद कम से कम मेरे जैसे विश्लेषक को नहीं है जो राजनीति को थोड़ा बहुत। आपने नीतीश कुमार को टच किया राहुल के बहाने, तो शरद पवार को भी थोड़ा सा टच करके देखिए कि उनका क्या इम्प्रेशन रहेगा, क्योंकि वहां भी बड़ी टूट फूट हुई है पिछले दिनों। नहीं, शरद पवार भी उसी अध्योगति को प्राप्त हो गए हैं जिस अध्योगति को उद्धव ठाकरे प्राप्त हुए। उद्धव ठाकरे या इनके पिताजी बाला साहब ठाकरे की भी महाराष्ट्र में कोई ऐसी व्यापक पकड़ मतदाताओं पर नहीं थी कि उससे किसी दूसरे दल को चिंतित होना पड़े। उनके समय में भी शिवसेना पूरे महाराष्ट्र की पार्टी कभी नहीं रही, कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां शिवसेना का प्रभाव रहा है और अब तो शिवसेना भी दो धड़ों में टूट गई है। जो मूल शिवसेना है बाला साहब ठाकरे के ने जिनकी जिसकी स्थापना 60-70 के दशक में की थी शिवाजी पार्क से, वो शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के पास चली गई। तो आप अगर उनके 55-56 एमएलए में से 40 एमएलए टूट के चले जाएं, 18 एमपी में से 13 एमपी टूट करके चले जाएं, मोस्टली पदाधिकारी चले जाएं, तो आपके पल्ले में बचता क्या। इसी तरीके से एनसीपी में भी अब बड़ी टूट हो गई है, उनके खुद के भतीजे अजीत पवार, उनके बहुत करीबी छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये सब टूट करके अब चले गए हैं और अजीत पवार तो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं जाकर के वहाँ, और बाकी मंत्री बन गए हैं, उनके करीब करीब 9 मंत्री बन गए हैं शिंदे सरकार में। तो इस समय तो वैसे ही शरद पवार बहुत स्ट्रेस में होंगे, परेशानी में होंगे, तमाम तरह की कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरीके से ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो जिन दो दलों का हम चर्चा कर रहे हैं जी। और जिन पूर्व नेताओं की चर्चा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार,
वो तो एक्चुअल में इतने गहरे घाव हैं कि वो उन्हीं को बैठ करके सहला रहे हैं। तो उनकी भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में या मोदी विरोधी दलों की एकाकी मुहिम में कोई होगी, मुझे लगता नहीं। अब ये जो इनकी बैठक होने जा रही है, या इतने दिनों से इनका महागठबंधन का जो शोर मच रहा है, विपक्षी एकता की जो मुहिम की बात बार बार चल रही है, इससे भाजपा को चिंतित होना चाहिए। चिंतित होना चाहिए उस दशा में अगर ये वाकई एक हो जाते हैं। अगर ये 1977 को दोहरा पाते हैं, अगर ये मोदी जैसी कोई लीडरशिप तलाश कर पाते हैं, क्योंकि ये तीनों बातें असंभव लग रही है और असंभव है आज की तारीख में। तो पहली बात, ये 1977 जैसा फैसला कर नहीं पाएंगे, कांग्रेस होने नहीं देगी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ एक ही कैंडिडेट हो। दूसरे, लीडरशिप नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता विपक्ष के पास है ही नहीं। 24/7 काम करने वाला ऐसा विजनरी नेतृत्व जो पिछले 9 साल में ही भारत को कहां से कहां लेकर के आए, और भारत की जो प्रतिष्ठा है पूरी दुनिया में, भारत के जो पासपोर्ट का सम्मान है, विदेशी एयरपोर्ट्स पर जब आप जाते हैं इमिग्रेशन के लिए, तो वैसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ। और जो एक बदलती हुई तस्वीर हम देख रहे हैं, अभी एक आंकड़ा आया है 2 दिन पहले के, जो गरीबी है वो कितना एकदम घट गई है भारत की, वो डिटेल आंकड़े आ गए हैं। और ये ग्लोबल आंकड़े हैं कि भारत ने किस तरीके से एक बड़ी जंप लगाई है। जी जी। तो नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता दिखाई ही नहीं देता है। अब अगर हम एक एक नेता की बात करें, ममता बनर्जी को क्या पश्चिम बंगाल से बाहर कोई जानता है, या वो उत्तर प्रदेश में कोई 4 अतिरिक्त वोटें गिरवा सकती हैं क्या किसी मोदी विरोधी भाजपा विरोधी दल के किसी प्रत्याशी के लिए? शरद पवार जो अपने घाव सहला रहे हैं, महाराष्ट्र से बाहर उनको कौन जानता है, सिर्फ मीडिया ही उनको चाणक्य कह करके सर पर चढ़ाए हुए है। इसी तरीके से नवीन बाबू हैं, वो उड़ीसा के बाहर उनका कोई पहचान नहीं है, उनका कोई प्रभाव नहीं है। अलग अलग राज्यों के नेताओं को अगर आप देखें तो वहाँ उन राज्यों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई पहचान भी नहीं है, उनका कोई प्रभाव भी नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस मीटिंग से या विपक्षी एकता के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उससे खुद प्रधानमंत्री चिंतित होंगे या बीजेपी नेतृत्व या अमित शाह चिंतित होंगे। अभी उनके लिए चिंता की कोई बात है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे शो के लिए समय निकालने के लिए। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद आपका याद करने। थैंक यू सो मच। नमस्कार।